गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे पूजा करने आए हैं। तो मेरा वीडियो तो पहले से स्टार्ट था कि आप लोग गाना वगैरह सुन रहे होंगे। तो अभी मैं मायके में हूँ और ये मेरी मम्मी है और भाभी है और हम यहाँ पे अपने जो भतीजा है उनके मुंडन की तैयारी चालू हो गई है क्योंकि आज ही उनके मुंडन के लिए निकलना था। तो जो घर के आसपास के देवी देवते होते हैं वहाँ पर पूजा किया जाता है तो वो पूजा करने के लिए निकले हुए हैं। तो सुबह सुबह में ही निकले हुए हैं तो हम लोग नहा धो के और घर में जो देवता है वहाँ पे पूजा करके उसके बाद बाहर के जो भी देवता है वहाँ पे निकल गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बहन है, मम्मी है, मैं हूँ, जो भी घर में लोग थे सब लोग आए हुए हैं और गाड़ी से आए हुए हैं कि यहाँ से पूजा करके और थोड़ा दूर भी जाना था तो इसके वजह से हम लोग गाड़ी से निकले हुए हैं और भाई लेके जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे येल्लो साड़ी पहनी हुई हूँ जो कि बहुत दिनों के बाद पहनी थी, मैं गाँव में ये साड़ी रखी थी। और यहाँ पे सब देख रहे हैं, बच्चे सब भी साथ में हैं। तो अभी यहाँ पे पूजा हो रही है और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो वहाँ पे मेरा पूजा हो चुका था तो अब यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ था, इसमें हम लोग बैठ रहे हैं और फिर दूसरे जगह जाना है पूजा करने के लिए। तो सब लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं अभी। जाना था थोड़ा दूर से यहाँ पे हम आ चुके हैं तो ये देख लिए यहाँ पे मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। यहाँ शक्ति स्थान बोला जाता है जो कि मैं तो लगभग 5-6 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरा होता है। तो ये देखिए अभी तो बहुत ही अच्छा बन गया, जब मैं आई थी तो इस तरह से मंदिर नहीं था, यहाँ पे छोटा था मंदिर आई थी मैं तब भी, लेकिन अभी तो इतना अच्छा बन गया है कि पूछिए मत। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन शांत हो जाता है ना ऐसे जगह पे आने के बाद, और मतलब किसी स्थल पे जाए ये हो इतना साफ सुथरा है कि पूछिए मत। तो आप लोगों को मैं भी दर्शन करा रही हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे भगवान यहाँ पे है वैसे वैसे मंदिर बनाया गया है, जितने भगवान है उतने भगवान के अलग अलग मंदिर है, उनके गेट है और सबका गेट देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा है। नीचे का फर्श वगैरह भी बहुत साफ सुथरा है और यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन, में आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। और आप लोग जो भी देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग देवी देवता का अलग अलग नाम भी है इस पे और हर तरह के, लेकिन इतना मुझे पता नहीं कि मैं डिटेल में आपको बता सकूँ, लेकिन जो भी है सब लोग सब देव का नाम है और जो कुछ तो नीचे से निकले हुए हैं ऐसे जमीन की खुदाई में ये और ऐसा होता है जो निकलते हैं वो भी है और बहुत सारे इधर लगभग 8-10 ऐसे मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और ये भी एक मंदिर है थोड़ा दूर में है उसी जगह है पास में, लेकिन लगभग 5 मिनट लगता है अगर जाने तो। उधर जा रहे हैं अभी और देख लीजिए अभी गुहा लगा हुआ है और खेत खलिहान कैसे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इधर। तो अभी यहाँ पे भी आ गए पूजा करने के लिए। रानी जो बोलते हैं 7 बहन होती है उनका है यहाँ पे ये सब बनाया हुआ, तो यहाँ पे वो है विराजमान तो यहाँ पे उनकी पूजा होती है। हो गया है पूजा करके हम लोग निकल रहे हैं और सब पूजा होने के बाद
हम लोग थोड़ा सा फोटो वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था इधर, तो फोटो वगैरह भी निकलवा रहा था। और फोटो का तो कहीं भी जाओ आजकल तो यही हो गया है कि फोटो निकालो फोटो निकालो, तो बहुत सारे फोटो भी निकाले थे और वीडियो भी बना रही थी। दो तीन मोबाइल था, मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे वीडियो डालना था, और बाकी के मोबाइल से फोटो भी निकाले जा रहे थे। तो यहाँ पे भी अभी पूजा चल रही है, यहाँ पे भी पूजा हो रही है, वहाँ से पूजा करने के बाद अभी यहाँ पे करे। तो हम तीनों, मम्मी है, मेरी बहन है और मैं भी हूँ, मेरी भाभी भी, सब लोग मिल के कर रहे हैं। एक एक कर भी कोई अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो कोई रोड़ी वगैरह डाल रहा है, मतलब सब मिल के कर रहे हैं पूजा यहाँ पे। और ये मम्मी भी है मेरी यहाँ पे। पूजा करने के बाद यहाँ आ गई हूँ, जो कि ये पीपल का पेड़ है, लेकिन ये जब पीपल का पेड़ टूट गया था अपने आप और इसमें से नीचे से जो बुद्ध भगवान की प्रतिमा है वो निकली थी, इसमें दिखाई देता है पीपल के पेड़ में। मोबाइल में तो इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन एकदम नज़दीक से देखने पर वो प्रतिमा दिखाई देती है। तो वहाँ पूजा की और वहाँ करने के बाद यहाँ आ गई है। तो मेरी मम्मी, हम तीनों आदमी को सिंदूर लगा रहे हैं, सिंदूर और खोइचा दिया जाता है वो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूजा होता है या कोई भी अच्छा काम होता है तो वहाँ पर सिंदूर और खोइचा वगैरह का रस्में होती है, जो कि यहाँ पर कर रही। और मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा सिंदूर लग गया था इसकी वजह से। तो ये हो रही है और यहाँ से ये सब करने के बाद हम लोग प्रसाद खाएंगे और अपने घर के लिए निकलेंगे। तो चलिए मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।